अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आत्मा को सुख चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि आत्मा को सुख क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? देखिए आज वर्तमान समय में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा को सुख क्यों चाहिए। आज आदमी से पूछिए आपको घर क्यों चाहिए तो बोलेगा सुख के लिए। आपको पत्नी क्यों चाहिए? सुख के लिए। आपको पैसे क्यों चाहिए? सुख के लिए। तो सब कुछ सुख के लिए चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि सुख क्यों चाहिए, सुख क्यों चाहिए, यह तो आदमी जानता ही नहीं। और सुख एक ऐसा चीज है जिसको पाने के लिए आदमी जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। और कुछ करने की बात तो छोड़िए, आदमी मरने तक के लिए भी तैयार है। जैसे कभी कभी कुछ लोग फांसी लगाते हैं, अभी अभी कुछ दिनों पहले एक डीएम ने आत्महत्या कर लिया, तो कुछ लोग जो है आत्महत्या करते हैं, फांसी लगाते हैं। तो जो लोग फांसी लगाते हैं उनसे पूछिए कि आप फांसी क्यों लगा रहे हैं, तो उनका एक ही उत्तर होता है, क्योंकि अगर मैं जी रहा हूं ना तो मुझे बहुत दुख मिल रहा है, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जी रहा हूं तो दुख मिल रहा है, लेकिन मर जाऊंगा ना तो सुखी हो जाऊंगा, सुख मिल जाएगा। तो देखिए जीव में सुख के प्रति कितना आकर्षण है कि जीव जो है सुख के लिए और कुछ करने की बात तो छोड़िए, यहां तक कि मरने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। जीव में सुख के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? तब जो है हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि यह आत्मा जो है ना सुखमय परमात्मा का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते जीव में अंशी भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। जैसे मिट्टी का ढेला यदि ऊपर फेंकेंगे ना तो वह स्वाभाविक पृथ्वी पर खींचा चला आएगा, क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी का अंश है। जैसे अग्नि की लपट जो है स्वतः ऊपर की ओर उठती है, क्यों? क्योंकि वह सूर्य का अंश है। तो जैसे पृथ्वी के अंश ढेले में स्वाभाविक ही पृथ्वी के प्रति आकर्षण है, ठीक उसी प्रकार भगवान के अंश आत्मा में सुखमय परमात्मा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है। चूंकि आत्मा जो है सुखमय परमात्मा का अंश है, इसीलिए आत्मा में सुखमय परमात्मा के प्रति इतना आकर्षण है कि और कुछ करने की बात तो दूर रही, आत्मा जो है उस सुख को प्राप्त करने के लिए मरने के लिए भी तैयार है।